بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد محترم هزرات، حضرات هزراتكو، إس قبل بتايا كي ما هرمزان رمزان من أهمية رمضان ولا عشرة، الرمزان اہم أهم عظمة ولا أيام، ورمزان كأخري عشرہ عشرة، آخری नबी पाक सल्ह वसलम का मामूल आखिरी अशरे में बिल्कुल मुख्तलिफ होता बन नस्बत रमज़ान के शुरू के दो अशरे के आप जो है इस महीने के आखिरी अशरे को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते खैर व भलाई के काम करने के लिए अल्लाह तबारक व तैयार की बरदारी और नेकी के मामले आप सल्ला वसम खूब मेहनत किया करते थे और ये सब इसलिए ताकि लैलतुल कद्र शब कदर नसीब हो जाए जिसे अल्लाह तबारक ने जिस रात को लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी आशरे में रखा है हजरात लैलतुल कद्र शब कदर या रमजान के आखिरी आशरे में किन अमाल का हम अहतमाम करें नंबर एक रात को जागने की कोशिश करें और रात जागें कोशिश करते हुए रात जागें अल्लाह तबारक व तौफीक तलब करें और रात जागना दुनियावी कामों में मशगूल रहने के लिए नहीं लायानी कामों में बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक वाली की इबादत के लिए कुरान की तिलावत तौबा तोबा इसतफार तहुदगुजारी विक्र अज़कार इस किस्म की इबादत का अहतमाम करने के लिए रमज़ान के आखिरी आशरे की रातों को चाहें कि पहला अमल और पहला वजीफा जो रमज़ान के आखिरी अशरे की रातों में हमें करना है दूसरा अमल या दूसरा वजीफा वो ये कि हम अपने अहल को अपने अहल खाना को ख़ास तौर तो पर जो नमाज पढ़ने के लायक हैं शूर है उन्हें उन्हें भी क्या हम बेदार करें सोने ना दें उनको बल्कि जिस तरह हम अपने आप को खैर भलाई हासिल करने के लिए जगा कर रखा हमने अपने आप को इसी तरह अपने अहलयाल बीवी बच्चों को भी जगाएं भाई बहनों को भी जगाएं उनको भी क्या है खैर भलाई की तरफ क्या रहनुमाई करें और खूब ज्यादा मेहनत की जाए एक तीसरा अमल और एक तीसरा वजीफा वो ये एहतिकाफ करें एहतिकाफ से मतलब एहतिकाफ का मतलब कि रमज़ान के आखिरी आशरे में हम अपने आप को मस्जिद में रोक कर के रखें इसे एहतिकाफ कहा जाता है और ये सिर्फ़ अल्लाह तबारक की इबादत के लिए दुनिया से मुन होकर के रमज़ान के आखिरी अशरे में सिर्फ़ अल्लाह के लिए फारि हो जाए उसके लिए क्या है एहतिकाफ कर लेना मस्जिद में अपने आप को रोक कर रखना मस्जिद से बाहर ना निकलना जब तक कि ईद का ऐलान ना हो जाए और एहतिकाफ अगर मुमकिन हो मुयसर हो तब वरना हो सकता है कि आज जिस माहौल में हम वक्त गुजार रहे हैं कोरोना के तो शायद बाज़ इलाकों में चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर मस्जिदें बंद हो या अगर मस्जिदें खुली हैं तो एहतिकाफ करने की ममानियत हो तो अगर ऐसी हालत है तो कोई जरूरत नहीं अपने आप को परेशानी में डालने के लिए एहतिकाफ के लिए अगर मुयसर हो मुमकिन हो तो एहतिकाफ करिए वरना ना करिए अल्लाह ताला तला अगले साल जरूर क्या है यह मौका नसीब फरमाएगा यही अल्लाह से हम उम्मीद रखें इसी तरह एक चौथा वजीफा और अमल जो हम रमज़ान के आखिरी अशरे की रातों में करें वो ये तबारकाल से दुआ करें और ऐसी दुआ जिस दुआ में क्या है अपनी मगफरत तलब करना हो क्योंकि मगफरत अगर हासिल हो जाए अल्लाह की तरफ से आफू और दरगुजर का मामला हो जाए अल्लाह की तरफ से हमारे साथ तो इससे बड़ी कोई और नमत हमारी नहीं हो सकती इसीलिए सुनल तिरमिजी सुन इबन माजा वगैरह की रिवायत है हज़रतमी आयशा रजील्हा रसोल्ला वसलम से पूछा और कहा कि यसूल्ला आप कोई ऐसा अमल बता दें जिसे मैं लतलर शब कदर कोई ऐसी दुआ बता दीजिए कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए जिसे मैंतल शब कदर जब मुझे नसीब हो तो मैं पढ़ा करूँ उसे तो आप सलील्हस ने उन्हें बताया कि ए आयशा तुम कहो लदर शब कदर को अगर तुम्हें नसीब हो अल्लाफून तोहबल फैफु अन्नी ए अल्लाह तो खूब ज्यादा दर गुजर का मामला माफ़ करने वाला है तोहैबल और माफ़ करने को पसंद फरमाता है फैफो अन्नी तो एल्लाह तू मेरी मफरत फरमा दे और मेरे साथ दर गुजर का मामला फरमा ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है जो माएशा रज़ील् ने जब आपसे सवाल किया लई लतल़द्र की दुआ के बारे में तो आपने इसी दुआ की क्या है तालीम दी इस दुआ को याद कर लें और इस दुआ की पाबंदी रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की रातों में अपनी नमाज़ों में अपनी दुआओं में उठते बैठते जिक्र असकार करते हुए इस दुआ की पाबंदी हम ज़रूर करें यकीन अगर ये दुआ हमारी कबूल हो जाए दर गुजर का मामला अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हमारे साथ हो तो इससे बड़ी कोई और नामत हमें हासिल नहीं होगी तो ये चंद अहमाल थे जिन्हें हमें रमज़ान के आखिरी आशरे में अहमियत देना है और इन अमाल को या इन अमाल का अहतमाम करने की ज़रूरत इसलिए ताकि हमें लई लतदर शब कदर की बरक़ात जो है वह हमें क्या नसीब हो जाए اللہ تبارک وتعالى ہم سب کو ہر ایسا نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو اور ہمیں القدر شب قدر نصیب ہو اور ہماری مغفرت ہو جائے۔ آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کروں۔ آپ نے فرمایا من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ले लतर तो का क़याम किया यानी लई लतल़द तो शब क़द्र को जाग करके इबादत की बिस्तर पर लेटा या सोया नहीं रहा बाजारों में घूमता नहीं रहा बल्कि ले लतलकदर तो शब क़द्र को जाग करके इबादत की ईमान के साथ एहतिसाब के साथ सवाब हासिल करने के लिए इखलास के साथ गुफिर लहु मा मिन मतदम्बे तो अल्लाह तबारक वाली उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है अल्लाह तबारक वाली हम सबों को ले लतर शब कदर के यहाँ नसीब फरमाए और नेक करने की खूब ज़्यादा मेहनत करने की हमें दे। तोफ़ी देसल व वबरकू